तो आज मैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत पैसिव आयस में तीसरा पार्ट आपको बताने चल रहा हूं। अभी तक मैंने आपको टेंस के पैसिव आयस कैसे बनेंगे बताया, अब मैं आपको बताने चल रहा हूं कि यदि वाक्य में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, वुड, शुड आए तो कैसे बनेगा। इसका नियम लिख लीजिए, कॉपी खोल लीजिए, लिखिए। यदि वाक्य में कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर्ट, वुड, शुड ये आ जाएं और उस वाक्य का पैसिव आयस बनाना हो तो इन सभी के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं, क्योंकि ये सभी तो मॉडल वर्ब हैं, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब हैं, तो इनके साथ कोई न कोई मुख्य क्रिया रहती है, तो उसका जो है वो थर्ड फॉर्म कर देते हैं और इनके बाद बी लगा देते हैं और उस क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। बाकी नियम यथावत जैसे है वैसे चलता है। जैसे आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू, तो यू इधर आएगा तो कर्ता कारक हो जाएगा, तो यू का कर्ता यू होता है, तो हो जाएगा यू कैन और उसके बाद क्या हो जाएगा बी और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्प्ड, यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी। आई कैन हेल्प यू तो हो गया यू कैन बी हेल्प्ड बाई मी। अगर निगेटिव रहेगा तो इनके बाद नाट लगा रहेगा, पैसिव वॉइस में भी आप इन्हीं के बाद नाट लगा देंगे। जैसे आई कैन नॉट हेल्प यू तो क्या हो जाएगा यू कैन नॉट बी हेल्प्ड बाई मी। अगर ये क्रियाएं बाहर निकली हों, इंट्रोगेटिव हों और इन्हीं से शुरू हो तो आप पैसिव वॉइस भी इन्हीं से शुरू करेंगे। जैसे कैन आई हेल्प यू तो क्या हो जाएगा कैन यू बी हेल्प्ड बाई मी। और यदि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा तो आप पैसिव वॉइस भी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू करेंगे। जैसे व्हेन कैन आई हेल्प यू या व्हाई कैन आई हेल्प यू तो हो जाएगा व्हाई कैन यू बी हेल्प्ड बाई मी, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही चाहे कैन रहे, चाहे कुड रहे, चाहे मे हो या माइट हो, सबके साथ ऐसे ही प्रयोग करते हैं। आसान है, मेरे ख्याल से आप समझ लिए होंगे। इसके बाद अब हमको बदलना है इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलना है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य, यानी ऐसा वाक्य जिसमें आदेश दिया गया हो या प्रार्थना किया गया हो या सलाह दिया गया हो वह इंपरेटिव सेंटेंस होता है और ये प्रायः क्रिया से प्रारंभ होता है। जैसे ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, सिट डाउन बैठ जाओ, स्टैंड अप खड़े हो जाओ, सब में आदेश दिया गया है। वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह टहलो, सलाह दिया गया है। प्लीज हेल्प द पुअर, कृपया गरीब की मदद करो, प्रार्थना किया गया है। तो ये सब के सब वाक्य इंपरेटिव हैं। तो यदि ऐसे वाक्य आ जाए तो आप कैसे बनाइएगा? तो इसके लिए एक सूत्र है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब इसी आधार पर ओपन योर बुक, अपनी किताब खोलो, ओपन योर बुक, तो सबसे पहले क्या आएगा? लेट, तो हो जाएगा लेट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ओपन योर बुक में ऑब्जेक्ट क्या है? योर बुक। क्रिया के बाद जो आता है प्रायः ऑब्जेक्ट होता है, तो हो जाएगा लेट योर बुक। और उसके बाद क्या लग जाएगा? बी, तो हो गया बी। और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन, लेट योर बुक बी ओपेंड।
यहाँ चाहे तो आप बाय यू लगा सकते हैं, लेट योर बुक बी ओपेंड बाय यू, क्योंकि आदेश जो सामने हो उसी को दिया जाता है। सामने कौन है? तुम, यू होता है। तो चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो न लगावें, मत लगाइए। तो हो जाएगा लेट योर बुक बी ओपेंड। एक और उदाहरण देख लीजिए, टेल हिम टू गो एट होम, टेल हिम टू गो एट होम, टेल हिम उससे कह दो टू गो एट होम, घर जाने के लिए। तो इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है, किसको कह दो, उसको कह दो, हिम है। तो हो जाएगा लेट हिम बी टोल्ड टू गो एट होम, लेट के बाद आ गया ऑब्जेक्ट हिम, उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म टोल्ड, और उसके बाद जो जैसे है वैसे रख दिया गया, लेट हिम बी टोल्ड टू गो। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ हिम है तो बहुत से लड़के गलत फहमी बना देते हैं, लेट ही बी टोल्ड, हिम का ही कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि ये एक्टिव वॉइस है, टेल हिम टू गो एट होम, तो यहाँ हिम ऑब्जेक्ट है, और पैसिव वॉइस में भी वो ऑब्जेक्ट ही रह रहा है। जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता तब हिम का ही होता, लेकिन वह ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट है और पैसिव वॉइस में भी ऑब्जेक्ट ही है, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वैसे ही हो जाएगा लेट हिम बी टोल्ड टू गो एट होम। मेरा ख्याल है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर निगेटिव रहेगा, निगेटिव बनाना रहेगा, तो उसका सूत्र लिख लीजिए, लेट माने निगेटिव माने इम्परेटिव, निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस जब निगेटिव हो और बनाना हो तो उसका सूत्र लिख लीजिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी सूत्र वही है, केवल जो है ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। अब इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस क्या है? अब तो जब इंपरेटिव सेंटेंस निगेटिव हो जाता है तो इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस हमेशा किससे प्रारंभ होगा? डू नॉट से। जैसे यही वाक्य ओपन योर बुक, इसी का हो सकता है डू नॉट ओपन योर बुक। तो डू नॉट ओपन योर बुक रहेगा तो क्या बनेगा? लेट योर बुक नॉट बी ओपेंड। ये हो सकता है डू नॉट टेल हिम टू गो एट होम, Do not tell him to go at home. तो क्या हो जाएगा? Let him not be told to go at home. ऐसे बन जाएगा। कभी कभी imperative sentence please या kindly से प्रारंभ होता है, तो उसमें प्रार्थना किया गया है, तो ऐसी स्थिति में क्या कैसे बनेगा, इसका भी नियम लिख लीजिए। लिखिए यदि imperative sentence प्लीज अथवा काइंडली से प्रारंभ होता है तो प्लीज अथवा काइंडली को हटा देते हैं और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं। जैसे प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हेल्प द पुअर, तो प्लीज हटेगा। या ऐसे भी कहा जा सकता है काइंडली हेल्प द पुअर, तो चाहे दोनों में से कोई भी है, प्लीज और काइंडली हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो प्लीज हेल्प द पुअर, प्लीज हटाइए और वहां लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ऐसे बन जाएगा। यदि ये निगेटिव है तो प्लीज या काइंडली के बाद डू नॉट रहेगा, तो क्या करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय,
प्लीज डू नॉट या काइंडली डू नॉट हटा देते हैं और उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगा देते हैं। लिख लीजिए, यदि इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस प्लीज डू नॉट या काइंडली डू नॉट से प्रारंभ होता है तो इन दोनों को हटा, प्लीज डू नॉट एवं काइंडली डू नॉट को हटा देते हैं, प्लीज डू नॉट एवं काइंडली डू नॉट को हटा देते हैं और इनके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगा देते हैं। जैसे प्लीज डू नॉट एब्यूज एनी वन, प्लीज डू नॉट एब्यूज एनी वन, तो क्या हो जाएगा, प्लीज डू नॉट हट गया और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, तो हो गया यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू एब्यूज एनी वन, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू एब्यूज एनी वन। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में अगर अकर्मक क्रिया इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो तो उसका भी पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे अगर उसमें आदेश दिया गया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा के वाक्य को वैसे ही जोड़ देते हैं, अगर सलाह दिया गया है तो यू आर एडवाइस टू लगा के वाक्य को पूरा जोड़ देते हैं, और यदि प्रार्थना किया गया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के रख देते हैं। जैसे कीप टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो, कीप टू द लेफ्ट, तो यहां कीप अकर्मक क्रिया है, या वॉक टू द लेफ्ट कर दीजिए और क्लियर रहेगा, कीप को हटाइए, वॉक टू द लेफ्ट, बाएं तरफ चलो, अकर्मक क्रिया है वॉक, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनना चाहिए, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में अकर्मक क्रिया का भी पैसिव वॉइस बन जाता है, क्योंकि उस क्रिया को हम काम प्रयोग नहीं करते हैं, थर्ड फॉर्म नहीं करते हैं, वो क्रिया तो एक तरह से जुट जाती है इन्फिनिटिव बन करके, इसलिए अलग से हम क्रिया लगाते हैं। तो वॉक टू द लेफ्ट, इसमें क्या किया जा रहा है, सलाह दिया जा रहा है, आदेश भी माना जा सकता है, लेकिन आदेश कम सलाह ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट, यू आर एडवाइज्ड टू जुट जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक टू द लेफ्ट बन गया। तो इस तरीके से जहां जैसा अर्थ रहेगा उसके अनुसार आदेश दिया गया तो यू आर ऑर्डर्ड, प्रार्थना किया गया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यदि सलाह दिया गया है तो यू आर एडवाइज टू, आदेश दिया गया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू लगा करके अकर्मक क्रिया भी है तो उसको भी हम बना सकते हैं। अब आपको बताने चल रहा हूं एक दूसरा नियम, जिसमें ये नीचे उदाहरण दिया है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि दो क्लाज एक साथ आ जाते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है या कंपाउंड सेंटेंस आ जाता है। तो कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तभी होगा जब दो वाक्य जुट एक कंजंक्शन से जुटे रहेंगे, तो जब कंजंक्शन से वे जुट जाते हैं तो वो क्लाज हो जाते हैं। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आप देखिए, जैसे यहाँ एक वाक्य है, दे से दैट द किंग इज कमिंग, दे से वे कहते हैं दैट द किंग इज कमिंग, कि राजा आ रहा है। अब इसमें पहला बात ध्यान रखिए कि दे से एक क्लाज है,
दैट द किंग इज कमिंग दूसरा क्लॉज है। तो दैट द किंग इज कमिंग ये जो कंजंक्शन से जुटा हुआ है इसको तो हम कुछ भी टच नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रह जाएगा। हम केवल पैसिव एज दे से का बनाएंगे, लेकिन दे से का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो पूरा एक क्लॉज है। दे से वे कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट द किंग इज कमिंग, ये पूरा क्लॉज जो है यही ऑब्जेक्ट है। तो नियम है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है पैसिव एज में, तो दैट द किंग इज कमिंग इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे नहीं इतना बड़ा, इसलिए हम यहां दे से इसके बाद इट मान लेते हैं। दे से इट, वे ऐसा कहते हैं। अब दे से इट का पैसिव एज बना दीजिए, तो दे से इट का पैसिव एज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इट इधर आ जाएगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा इट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या लगेगा, इच सेट, इट इज सेट बाई देम दैट द किंग इज कमिंग, ये भी हो सकता है, या इतना ही बना दीजिए इट इज सेट दैट द किंग इज कमिंग, क्योंकि लोगों के द्वारा कहा जा रहा है, समूह के द्वारा, इसलिए बाई देम कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इतना ही लगा दीजिए इट इज सेट दैट द किंग इज कमिंग, बन गया। ऐसे ही एक उदाहरण और ले लीजिए, ही सेज दैट राम इज ए गुड बॉय, वह कहता है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो दैट राम इज ए गुड बॉय कुछ नहीं करना है, ही सेज वहां इट मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, इट इज सेड बाई हिम दैट राम इज ए गुड बॉय। अब यहां बाई हिम थोड़ा लगाना उचित है, क्योंकि केवल एक आदमी द्वारा कहा जा रहा है, तो इसलिए इट इज सेड बाई हिम दैट राम इज ए गुड बॉय। आप मेरे ख्याल से इसको बना लेंगे। कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जो सामान्यतया प्रेजेंट टेंस में होते हैं या सामान्यतया पास्ट टेंस में होते हैं। सामान्यतया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है कि जिसमें इज एम आर या वाजवेयर का प्रयोग किया गया हो, और उनके साथ इन्फिनिटिव आया रहता है। इन्फिनिटिव माने टू प्लस वर्ब, जैसे ही इज टू हेल्प मी, ये वाक्य है ही इज टू हेल्प मी, यहां देखिए इज है और इन्फिनिटिव टू हेल्प आया है, ये इन्फिनिटिव है, ही इज टू हेल्प मी। अगर ऐसा वाक्य आता है जहां इन्फिनिटिव आ जाता है, तो वहां पैसिव वॉइस बनाते समय टू के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देते हैं, टू के बाद बी लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म कर देंगे, तो टू के बाद बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म माने टू बी हेल्प्ड हो जाएगा, और बाकी नियम जैसे है वैसे ही चलेगा। माने जो एक्टिव वॉइस का करता है वो पैसिव वॉइस का कर्म हो जाएगा, एक्टिव वॉइस का जो कर्म है वो पैसिव वॉइस का करता हो जाएगा, ये तो बिल्कुल चलता रहेगा, कहीं नहीं रुकता है। और इसमें जो है सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ तो इज है इज फिर लगेगा ही, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा, और बाई भी लगेगा। तो ही इज टू हेल्प मी, तो मी इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है, अब सब्जेक्ट हो जाएगा, तो मी इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा एम, और वही क्या हो जाएगा टू बी हेल्प्ड बाई हिम। आई एम टू बी हेल्प्ड बाई हिम, बन जाएगा ऐसे। सी वॉज टू कॉल मी या सी वॉज टू कॉल हिम, ये वाक्य हो तो हिम इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या हो जाएगा वॉज, टू बी कॉल्ड बाई हर, ऐसे बन गया। ऐसे ही हैड हैव रहेगा, हैड रहेगा और उसके बाद इन्फिनिटिव रहेगा, ऐसा भी हो सकता है हैज हैव हो और उसके बाद इन्फिनिटिव हो, ऐसे भी वाक्य आ सकते हैं। जैसे जैसे वी हैव टू हेल्प हिम, ये वाक्य है ना, वी हैव टू हेल्प हिम, इसमें हैव आया है और उसके बाद इन्फिनिटिव टू हेल्प आया हुआ है। अब इसको बनाना है वही नियम,
हिम इधर आएगा तो हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगेगा हैज टू, और वहीं बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा ही हैज टू बी हेल्प्ड बाय अस। सी हैड टू कॉल मी, तो मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा और हैड ही लगेगा, इसमें सबके साथ हैड ही लगता है तो हो जाएगा आई हैड टू बी कॉल्ड बाय हर, आई हैड टू बी कॉल्ड बाय हर। तो इस प्रकार जो है आप इसे आसानी से बना सकते हैं, हमने आपको ये बताया। अब इसके बाद कुछ प्रमुख चीज़ें इसमें और बची हुई हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में अगले पार्ट में बताऊंगा। धन्यवाद।